तो देखा ही था दुर्गा सिंह लव स्टोरी की दुर्गा सिंह को बोल दिया, अब जैसे आप बोलोगी वैसे ही होगा। आप चाहती थी ना कि मैं किसी से हेल्प लूँ, तो ठीक है अब मैं हेल्प लूंगी, मैं थेरेपिस्ट की हेल्प लूंगी और रोज सेशन पे भी जाऊंगी, वो भी बगैर ड्रामा की है, जिस पे सिग्नल हो तो अपने कानों पे विश्वास ही नहीं होता। और वो कहती है देखो देखा आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ मैं आप पे कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहती, जिस पे दुर्गा सिमरन के फेस को टच करती रहती, नहीं मैं ये खुद करना चाहती हूँ, अपने लिए करना चाहती हूँ, मैं अपने पास को भुलाना चाहती हूँ और आपके साथ एक नया जीवन जीना चाहती हूँ। ये सुन के तो सिमरन बहुत ही खुश हो जाती है और वो दुर्गा को अपने भाव में थाम लेती है और उसे किस करने लगती है। दुर्गा भी बहुत खुश थी, ये दोनों ऐसे एक दूसरे को कस के हक करके रखते हैं। तभी थोड़ी देर में दुर्गा एकदम से पीछे होती है और सिमरन से कहती है क्या हुआ मन बदल लिया, जिस पर दुर्गा बोलती नहीं अब मैं मन नहीं बदलूंगी, जैसे ही अब हम वापस घर जाएंगे तो मैं डॉक्टर के पास चलूंगी वो भी आपके साथ। इस पर सिमरन तो बहुत खुश हो जाती है और वहाँ पर दुर्गा की मोम, अब उन्हें बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था दुर्गा पे यानी अपनी खुद की बेटी पे, क्योंकि अब दुर्गा की वजह से वो अपने प्यार से यानी अपने हस्बैंड से फिर से दूर हो रही थी। और अब वो गुस्से में दुर्गा को कॉल लगाती है, दुर्गा अपनी मोम को कॉल देखते हुए साइड पे रख देती है क्योंकि उसका बिल्कुल मन नहीं था अपनी मम्मा से बात करने का, कि उसकी मम्मा बार बार कॉल कर रही थी, जिसकी वजह से दुर्गा कॉल रिसीव करती है पर कुछ बोलती नहीं है। और उसकी मामा कहती है कि अब तो तुम खुश हो ना, तुम यही चाहती थी, तुम्हारे पापा फिर से मुझसे दूर हो जाए, लो हो गया जैसे तुम चाहती थी वही हो गया, अब तो तुम घर आ जाओ। जिस पर दुर्गा कुछ भी नहीं बोलती और दुर्गा की मामा उसे बहुत कुछ सुना देती है, दुर्गा चुपचाप सुनती रहती है और फिर कॉल कट कर देती है। कॉल कट होने के बाद दुर्गा बहुत जोर जोर से रोने लगती है क्योंकि उसकी मम्मा उससे फिर से पहले की तरह गुस्से में बात कर रही थी, जो उसे बहुत ही ज्यादा तकलीफ दे रहा था। सिमरन कहती है कि दुर्गा क्या हुआ आप रो क्यों रही हो, दुर्गा सिमरन को हक करती है और रोने लग जाती है, कहती है मेरी तो किस्मत ही खराब है, जब भी मैं कुछ अच्छा करने की ट्राई करती हूँ सब गलत हो जाता है, मेरी मम्मा जिनसे मैं इतना प्यार करती हूँ वो भी मुझे कभी नहीं समझ पाई, वो कभी नहीं समझ पाई क्यों मैं नहीं चाहती कि वो अपने हस्बैंड से दूर हो जाए, वो नहीं समझ पाई ना वो कभी समझ पाएंगी, वो हमेशा मुझे ही हर चीज़ के लिए ब्लेम करती रहेंगी जैसे वो आज तक करती आएंगी। जिस पर सिमरन बोलती नहीं ऐसे नहीं है, वो तो तुमसे बहुत प्यार करती है। दुर्गा बोलती नहीं वो सिर्फ अपने हस्बैंड से प्यार करती है, सिर्फ और सिर्फ अपने हस्बैंड से। और दुर्गा ऐसे कहकर फूट फूट के रोने लगती है। सिमरन उसे संभालती है कहती नहीं ऐसा नहीं है, आप ऐसे कैसे बोल सकती हो, एक माँ के लिए उसका बच्चा ही सब कुछ होता है। दुर्गा बोलती पर मेरे केस में ऐसा नहीं है, मेरी मोम के लिए तो उनका हस्बैंड ही सब कुछ है। जिस पे सिमरन कहती है कि आप अपनी मम्मा को क्यों ब्लेम कर रही हो, आपकी मम्मा की इसमें कोई गलती नहीं है। दुर्गा ऐसे सिमरन को देखते कहती है आप भी मोम की सही लोगी, जिस पर सिमरन बोलती है हाँ मैं लूंगी, क्योंकि आपकी गलती है, आपने अपनी मोम को कभी बताया नहीं कि आप अपने पापा से इतनी नफरत क्यों करती है, तो आप उन्हें कैसे ब्लेम कर सकती है, अगर आप उन्हें बताती तो वो हमेशा आपका साथ देती ना कि अपने हस्बैंड का। तो अपनी मोम को ब्लेम करना बंद करो, अगर चाहती हो कि आपकी मोम आपको समझे और अपने हस्बैंड से दूर हो जाए तो आपको उन्हें खुद सब कुछ बताना होगा। जिस पर दुर्गा कहती है कि नहीं मैं नहीं बता सकती, वो मुझसे नफरत करती है, गुस्सा करती है, जो करती है करती रहे पर मैं उन्हें कुछ भी नहीं बताऊंगी। जिस पर सिमरन कहती है कि फिर आपको ये भी हक नहीं बनता कि आप अपनी मोम को ब्लेम करो, जिस पर दुर्गा बोलती है आप चाहती क्या हो, आप मेरी साइड पर या मम्मा की। सिमरन बोलती है कि मुझे जो सही लगता है मैं उसकी साइड पर होती हूँ, और यहाँ पर दुर्गा आपकी ही गलती है, जब तक एक इंसान को पता ही नहीं होगा कि उसे दूसरे इंसान से दूर क्यों होना है, वो दूर क्यों होगा, आप उन्हें रीजन दोगे तो वो दूर होगी ना। पर दुर्गा कुछ नहीं बोलती, वो कहती है कि मैं अपनी मम्मा को तोड़ नहीं सकती। सिमरन बोलती है इसमें क्या है, आप सिर्फ बता नहीं तो है आपने। दुर्गा बोलती मैं मम्मा को जानती हूँ, वो अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती है और उन पे बहुत ज्यादा विश्वास भी करती है, और एक बार इंसान का विश्वास टूट जाए ना तो इंसान जिंदगी भर किसी पे विश्वास नहीं कर सकता, मैं मेरी मम्मा का विश्वास नहीं तोड़ सकती। इस पर सिमरन सर पकड़ लेती है और दुर्गा को बोलती अच्छा ठीक है अब जरा उठ जाओ। दुर्गा उठती है, सिमरन कहती है कि अब बैठो, दुर्गा कहती क्या सिमरन बोलती बैठो ना, तो जैसे ही दुर्गा बैठने लगती है तो सिमरन यूँ साइड पे हो जाती है और दुर्गा उसकी गोद में बैठ जाती है। तो दुर्गा हंसती है कि ये क्या था, सिमरन बोलती बस आपको हक करने का मन कर रहा था। दुर्गा सिमरन की गोद में बैठ रही थी, सिमरन ने पीछे से उसे हक किया हुआ था और उसके बालों में हाथ चल रही थी, जिस पर दुर्गा यूँ पीछे होती है और सिमरन के फेस पे उठाती है, उसके लिप्स पे किस करती है। और तभी जो दरवाजे पे नोट नोक होते हैं दोनों पीछे हो जाती है और सिमरन की मम्मा अंदर आती है, वो दोनों
का फीवर चेक करती है। अब दोनों का फीवर पहले से बेटर था तो वो इन्हें मेडिसिन वगैरह देती है और कहती है चलो थोड़ी देर आराम कर लो, पर इन दोनों में से किसी का भी सोने का मन नहीं था। और अब मौसम भी बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो चुका था, बारिश थम चुकी थी। और सिमरन बोलती है कि क्यों ना हम कहीं बाहर घूम के आएं, दुर्गा मेरे साथ बाहर चलोगी? जिस पर दुर्गा बोलती अरे नेकी और कुछ कुछ। और फिर सिमरन और दुर्गा दोनों हाथों में हाथ डाले डर से बाहर आ जाते हैं। ये दोनों बाहर ऐसे टहल रहे थे कि तभी सामने से सिमरन का ताया जो है वो अपनी गाड़ी पे आ रहा था। उसकी गाड़ी भी बहुत बड़ी थी तो दुर्गा पहचान जाती है सिमरन का ताया। सिमरन अपने ताया को देखती है तो नजरें नीचे चुरा कर चलने लग जाती है, ऐसे प्रिटेंड करती हुई जैसे उसने अपने ताया को देखा नहीं। पास से गुजरने लगती है तो उसके ताया खुद ही गाड़ी रुकवा देते हैं और नीचे उतर आते हैं। कहते अरे सिमरन बेटे तुम पैदल कहाँ जा रहे हो, चलो मैं तुम्हें कहीं छोड़ दूँ। जिस पर सिमरन बोलती नहीं हम तो बस ऐसे ही टहलने के लिए निकले थे, हमें कहीं नहीं जाना। और ऐसे ही दुर्गा का हाथ थाम दिया चलना स्टार्ट कर दिए थे। जिस पर दुर्गा बोलती अरे वो तो अच्छे से बात कर रहे थे, सिमरन बोलती है कि मैंने बोला ना चलो चुपचाप। तो सिमरन कुछ भी दुर्गा को नहीं बताती है। तो दुर्गा बोलती है आपने ही बोला था, जब तक अगर इंसान को पता ही नहीं होगा तो वो कैसे किसी से दूर होगा? जब तक आप मुझे नहीं बताओगे उन्होंने क्या ऐसा किया जिससे आप उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती। सिमरनवती बताया तो वो बिल्कुल अच्छे नहीं है। दुर्गावती नहीं मुझे डिटेल चाहिए। जिस पर सिमरन उसका हाथ थाम रही थी चलो वहाँ बैठते हैं। और ये दोनों पास में एक ऐसी जगह बनी होती है, दोनों बस वहीं पर बैठ जाते हैं, बातें करने लगते हैं। सिमरन गहरी सांस लेती है और कहती है कि ठीक है आई नो, ये सुनने के बाद आपको लगेगा शायद मैं पैसे और जायदादों के पीछे, पर ऐसा नहीं है। दुर्गावती अरे पहले बताओ तो सही, खुद ही जज करने बैठ गई हो, आपको पता है ना मैं आपको कभी जज नहीं कर सकती। तो जिस पर सिमरन गहरी सांस लेती है और कहती है कि आपने मेरे ताए का घर देखा कितना बड़ा है, आपने उनकी गाड़ी भी देखी है कितनी ही बड़ी है। दुर्गावती हाँ। सिमरन बोलते हैं ये सब देख के आपको लगा होगा शायद उन्होंने बहुत मेहनत की है और इतना सब कुछ कमाया। दुर्गावती सिमरनवती पर ऐसा नहीं है, हर अमीर इंसान के पीछे उसकी मेहनत नहीं होती, कुछ उसकी बेईमानी और अपनों के साथ विश्वासघात भी होता है। दुर्गावती तो उन्होंने विश्वासघात किया है। सिमरनवती हाँ, उन्होंने मेरे पापा से उनकी ज़्यादातर ज़मीनें छीन ली है। मेरे पापा बहुत ही भोले हैं, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ उनके रिश्ते मायने रखते हैं, ये प्रॉपर्टी ये ज़मीन कागजात वगैरह से उनका कोई लेना देना नहीं है। वो बस एक चीज़ जानते हैं रिश्ते निभाना और बस रिश्ते निभाना, इसके अलावा उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। जिस पर दुर्गा बोलती हाँ वो तो आपके पापा को देख के लगता भी है। सिमरन बोलती है कि मेरे ताया ने बेईमानी से ज़्यादातर जायदाद अपने नाम करवा ली थी और मेरे पापा के पास बहुत कम जायदाद बची है, लेकिन मेरे पापा उसमें भी खुश हैं और हम भी उसमें खुश रह लेते हैं। लेकिन उसके बाद मेरे ताया ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे उन्हें रिश्तों की बड़ी वैल्यू है और उन्हें हमारी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। वो हमें अपने घर शादी पे बुला के ये जो बड़प्पन दिखा रहे हैं ना ये सिर्फ उनका दिखावा है। वो लोगों को जताना चाहते हैं कि देखो मैं अपनी मेहनत से अमीर हुआ हूँ, लेकिन अमीर होने के बाद भी अपने गरीब भाई का हाथ नहीं छोड़ा। वो लोगों को जताते हैं कि जैसे उन्होंने हम पे कोई एहसान किया हो, जबकि हम ये अच्छे से जानते हैं कि आज वो जिस मकाम पे हैं वो सिर्फ मेरे पापा की मेहनत और उनका हक खा के है। जिस पर दुर्गा उसे रिलैक्स करती रहती ठीक है शांत हो जाओ। सिमरन बोलती कैसे शांत हो जाऊँ, जब जब इन्हें देखती हूँ मेरा खून खोलने लगता है, मुझे बहुत जोर से गुस्सा आने लगता है, मन तो करता है कुछ उठा के इनके सर में दे मारूं। जायदाद नहीं उससे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके बाद ये जो लोगों के सामने दिखावा करते हैं और जैसे हम लोगों को भी ये दिखाते हैं कि ये बड़ी हमारी फिक्र है, मुझे उससे गुस्सा आता है। दुर्गा बोलती यही कारण था कि आप शहर पढ़ने गए। सिमरन बोलती नहीं, शहर जाने का कारण ये था कि हमको अच्छा कॉलेज नहीं था और मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और मेरे मम्मा पापा दोनों चाहते थे कि मैं आगे भी अच्छे नंबरों से पास हूँ, टॉप करूँ जैसे अब तक करती आ रही, बस इसीलिए उन्होंने मुझे शहर भेजा। दुर्गा बोलती तो आप नहीं जाना चाहती थी। सिमरन बोलती नहीं, अपने पेरेंट्स को छोड़ के कौन नहीं जाना चाहेगा इतना दूर। जिस पर दुर्गा बोलती अब देखो आपने बोला आपके पापा के पास कोई इतनी खास जायदाद नहीं, सारे तो आपके ताए ने ले ली, तो जो थोड़ी बहुत है वो बेच के उधर ही शहर क्यों नहीं सेटल हो जाते, वहीं कोई जो काम कर लेंगे। जिस पर सिमरन बोलती यही तो दिक्कत है, मेरे पापा इस चीज़ के लिए कभी तैयार नहीं होंगे, उनके लिए उनके पूर्वजों की जमीन है, उनकी निशानियाँ हैं और वो कभी उन्हें बेच के कहीं नहीं जाएंगे। मैंने भी उनसे एक बात ये कहने की कोशिश की थी पर उन्होंने तो मेरी पूरी बात भी नहीं सुनी। जिस पर दुर्गा बोलती उफ आपके पापा बिना कुछ ज़्यादा ही संस्कार बने हैं उनके अंदर। जिस पर सिमरन भी हंसने लगती है और सिमरन कहती देखा पहले आपकी नज़र में मेरे ताया एक अच्छे इंसान थे, पर जब मैंने बताया वो कैसे तो आपको अब वो अच्छे नहीं लगे ना। इसी तरह जब आप अपने मॉम को बताओगे कि आपके डैड कैसे हैं तो वो उन्हें भी अच्छे नहीं लगेंगे। पर दुर्गा कहती है सिमरन प्लीज़ हम इस बारे में बात कर चुके हैं। अच्छा सिमरन गहरी सांस लेती है और उसे लगता है कि दुर्गा को
एकदम से इतना फोर्स करने की कोई जरूरत नहीं, वो रेडी तो हो गई है थेरेपी के दौरान ही सब कुछ बता देगी, इसलिए वो कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, हम इस बारे में अब बात नहीं करेंगे, चलो थोड़ा और टहल लेते हैं। और फिर दोनों ऐसे ही टहल रहे थे, वहाँ बच्चे जो है वो काफ़ी ज़्यादा मस्ती कर रहे थे, बहुत शोर कर रहे थे, और एक खाली प्लाट में वो लोग क्रिकेट भी खेल रहे थे। ये देख के सिमरन बोलती है चलो क्रिकेट खेलते हैं, दुर्गावती आपको खेलनी आती है? सिमरन बोलती अरे मैंने बचपन में बहुत खेला, चलो आओ ना। दुर्गावती चलो ठीक है, और फिर दोनों साथ में क्रिकेट खेलने लगते हैं। सिमरन तो बहुत ही अच्छा खेल रही थी, पर दुर्गा को इतनी खास क्रिकेट नहीं खेलनी आ रही थी, तो सिमरन उसकी हेल्प कर रही थी, उसे सिखा रही थी कि कैसे खेलते हैं कैसे खेलते हैं। और सिमरन एकदम से यूँ दुर्गा के पीछे आ जाती है, अब यूँ बैट पकड़ के उसे दिखा रही थी कि अगर बॉल इस साइड से तो तुमने बैट को यूँ घुमाना है और इस साइड से तो यूँ घुमाना है। इतने में सिमरन दुर्गा के बहुत ही ज़्यादा क्लोज थी, और दुर्गा यूँ सिमरन की स्मेल ले रही थी, उसको फील कर रही थी। और तभी सिमरन बोलती है कि मुझ पर ध्यान कम दोगी तो आपको बैट पकड़ना भी ढंग से आ जाएगा। जिस पर दुर्गा हंसती रहती है अच्छा ये बात है चलो पीछे हट जाओ। सिमरन पीछे होती है और फिर दुर्गा जो है वो बैट को यूँ घुमाती है और सिक्सर मार देती है, जिस पर सिमरन तो शॉक हो जाती है। दुर्गा मुस्कुराते हुए कहती है आपको क्या लगा कि मैं इतनी पागल हूँ, मुझे क्रिकेट खेलने ही भी नहीं आती, कम ऑन यार मैं इतनी स्टूपिड भी नहीं हूँ। और फिर दुर्गा जो खेलना स्टार्ट करती है भाई सिक्सर 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 ही मारती रहती है, आउट होने का नाम ही ले रही थी, जिस पर सिमरन बहुत तंग आ जाती है और वो कहती अब आउट करूँगी। और उसके बाद सिमरन इतने ज़ोर से बॉल कराती है जो बॉल सीधा दुर्गा के सर पे जाके लगती है और दुर्गा उधर ही गिर जाती है। सिमरन तो पूरी तरह से डर जाती है, भाग के दुर्गा के पास आती है, कहती दुर्गा चूँकि हम सॉरी आगे ओके प्लीज़ प्लीज़ आगे बोलो। लेकिन दुर्गा अभी तक भी होश थी, सिमरन बहुत घबरा जाते हैं, उसके ऊपर पानी डालती है, दुर्गा थोड़े होश में आती है, सिमरन से होकर देखते हैं हम सॉरी अब ठीक तो हो ना। तो दुर्गा हंसते हुए थी हाँ मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, पर सिमरन समझ जाते हैं कि वो ठीक नहीं है, उसे सच में जोर चल गया। तो सिमरन उसे सीधा घर लेके आती है और उसके सर पर यूँ सिकाई करने लगती है। थोड़ी देर सिकाई करने के बाद अब दुर्गा कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और वो सिमरन के हाथ पकड़ लेती है कि बस अब और मत करो मेरे पास बैठ जाओ। तो सिमरन दुर्गा के पास बैठ जाती है, बाबा उसके सर को देख रही थी कितनी ज़्यादा टाइम लगी ठीक तो देख तो नहीं हो रहा, जिस पर दुर्गा कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और दुर्गा फिर सिमरन की गोद में उसे रख लेती है। तो सिमरन दुर्गा के बारे में हाथ फेरती है, दुर्गा कहती है कि पता नहीं क्यों आपके साथ एक एक पल मुझे ऐसे लगता है कि जैसे सेकेंड में गुजर रहा हो, और पता नहीं क्यों मेरा मन करता है कि आपके साथ पूरा जीवन बस ऐसे ही हंसी मजाक में गुजर जाए, ऐसे मस्ती करते हुए गुजर जाए। सच कहूँ तो घर जाने का वापस जाने का बिल्कुल मन नहीं है, घर जाऊँगी वही पुरानी चीज़ें माइंड में चलने लगेंगी, मेरा तो मन करता है मैं सब कुछ भूल जाऊँ, बस यही हमेशा के लिए आपके साथ बस जाऊँ। जिस पर सिमरन मुस्कुराहट हो रही थी यही रह पाऊँगी हमेशा के लिए इस छोटे से गाँव में, जिस पर दुर्गा मुस्कुराते हुए कहती है कि हाँ रह लूँगी, और ये गांव और ये घर ये छोटा नहीं है समझे, इन सब के आगे तो वो शहर छोटा लगता है मुझे। जिस पर सिमरन हंसने लगती है, कहती है आप तो भाई सच में मेरे प्यार में पागल हो गई। जिस पर दुर्गा मुस्कुराती है कहती है कि आपको अभी भी कोई शक है? सिमरन होती नहीं बिल्कुल भी नहीं। और फिर सिमरन दुर्गा के फॉरहेड पे किस कर लेती है, दुर्गा यूँ उठती है और कहती है कि वैसे अगर हम हमारे बारे में किसी को बताएंगे तो कोई विश्वास नहीं करेगा राइट? सिमरन बोलती हाँ ये तो है। दुर्गा बोलती कॉलेज में किसे बताएं, कोई मानेगा? सिमरन बोलती नहीं बिल्कुल भी नहीं। दुर्गा बोलती चलो ट्राई करते हैं किसी को बताते हैं, पर सिमरन साफ मना कर देती है कहती नहीं 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 हम किसी को ना बताएंगे इसके बारे में। तो बोलती पर क्यों हम क्यों नहीं बता सकते? सिमरन बोलती अरे समझो ना कोई भी हमारी बातों पर विश्वास नहीं करेगा, और वैसे भी कॉलेज में हमारे को इतने खास फ्रेंड्स भी तो नहीं है, मेरे लिए सिर्फ आप, आपके लिए सिर्फ मैं। दुर्गा बोलती सिर्फ आप नहीं मेरे लिए तो बहुत से फ्रेंड्स हैं। जिस पर सिमरन बोलती बस बस रहने दो आई नो आपके कोई फ्रेंड्स नहीं है। तो दुर्गा बोलती क्यों आप हो ना? सिमरन बोलती हाँ मैं हूँ ना मेरे अलावा तो कोई नहीं है। दुर्गा बोलती आपके अलावा वैसे एक और भी है। जिस पर सिमरन थोड़ा गुस्से में आ जाती कहती कौन है बताओ? दुर्गा बोलती है एक प्यारी सी क्यूट सी लड़की ना। सिमरन बोलती अच्छा प्यारी भी है और क्यूट भी है, कौन है जरा नाम बताना उसका? दुर्गा बोलती नाम नहीं बताऊंगी दिखाऊंगी आपको। सिमरन बोलती अच्छा दिखाओ। तो दुर्गा अपना मोबाइल निकालती और एक पिक
खोल जाएगी। आये हाय कितनी प्यारी है, ये कितनी क्यूट है, उफ मन तो करे ऐसे चूम लो। ऐसे ही मोबाइल पे किस कर रहे थे, सुबह में बहुत गुस्सा आ जाता, कहते दिखाओ मुझे मोबाइल। पर दुर्गा जो है वो घर से निकल तो जाती, कहती नहीं मैं तो नहीं दिखाऊंगी इसे, मैं बोती दिखाओ मुझे, मैंने बोला ना। दुर्गा बोती अरे आप नजर लगा दोगे इसे, मैं नहीं दिखाऊंगी इसे, मैं बोती बोला ना दिखाओ। दुर्गा बोती दुर्गा आ गया सिंह पीछे, ऐसे इनकी भागम भाग चल रही थी, तभी से मैंने उसके हाथ से मोबाइल खेच रही थी। और जैसे ही स्क्रीन को अपनी तरफ करती है तो एकदम शोर हो जाते हैं, क्योंकि उसमें सिग्नल की ही पिक थी जो सोते टाइम शायद दुर्गा ने बनाई थी। उसमें बोलती अरे ये तो मैं ऊपर, ये पिक आपने कब बनाई, कितनी गंदी आ रही है, प्लीज डिलीट करो ना इसको। दुर्गा बोलती नहीं करूँगी क्योंकि इसमें आप बहुत सुंदर लग रही हो। उसमें बोलती सुंदर क्या, इसे कहते हैं सुंदर, हाँ एक तो इतने अंधेरे में पिक है, उतनी डरावनी लग रही है, मैं डिलीट करो ना। दुर्गा बोलती अरे मेरे लिए तो बहुत सुंदर लग रही हो आप इस पिक में, इसलिए मैं डिलीट नहीं करने वाली। इन दोनों की यहीं पे बहस चल रही थी, तभी सिमरन की मम्मा कहती है कि अरे सिमरन बेटा ये सब क्या चल रहा है। सिमरन बोलती क्या मम्मा, हम तो बस मस्ती कर रहे हैं। तो बोलती इसकी बात नहीं कर रही, तो कहती मम्मा फिर क्या। तो वो कहती है कि दुर्गा की मम्मा की कॉल आई थी मुझे, और उन्होंने बताया कि दुर्गा बता के भी नहीं आई, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, और उन्होंने बोला है कि मैं दुर्गा को बोलूँ कि वो जल्दी से घर आ जाए। क्या दुर्गा बेटा तुम बता के नहीं, तुमने तो बोला तुमने अपनी मम्मा को कॉल करके बता दिया। जिस पे दुर्गा को गुस्सा आ जाता है, वो समझ आती है कि उसकी मम्मा ने गुस्से में ये सब किया है। और वो कहती नहीं आंटी ऐसी बात नहीं है, तो कहती बेटा तुम एक बार अपनी मम्मा से बात कर लो। जिस पे दुर्गा अपनी मम्मा से बात करने के लिए अपना मोबाइल उठाती है, पर उसका मोबाइल तो खराब होता है, और उसे समझ नहीं आता कि अब अपने मोबाइल से कैसे कॉल करें, क्योंकि अब तो उसके मोबाइल से मतलब बिल्कुल स्क्रीन खराब हो रही थी। पहले उसने बना लिया था मोबाइल, पर अब बिल्कुल सही से चल नहीं रहा था। तो उसने का मोबाइल गौरव करती है और बाहर जाके वो अपने मम्मा को कॉल लगा देती है। वो अपनी मम्मा से बात कर रही थी और कहती है कि मम्मा की क्या हरकत थी, आपने क्या बोला आंटी को। तो बोलती है उनकी तुम्हें बहुत परवाह है, खुद की माँ की परवाह नहीं होती, जिसे पहले ही बस पकड़ के घर आओ, वरना तुम्हारे पापा को भेज दूँ तुम्हें पिक करने के लिए। जिस पर दुर्गा बोलती है कि नहीं वो नहीं आएंगे यहाँ पे। तो दुर्गा की मम्मा कहती फिर तुम्हें चुपचाप घर आ जाओ। इस पर दुर्गा को बहुत जोर से गुस्सा आता, पर वो क्या करे, बस के पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसे पहले बहुत बुरा लग रहा था कि सिमरन की मम्मा को कॉल करके पता नहीं क्या क्या बोल दिया उसकी मम्मा ने, तो चुपचाप से कॉल कट कर देती है और बहुत अपसेट हो गई। घर जाती है, सिमरन कहती है कि क्या हुआ मम्मा से बात हो गई, तो वह अपसेट होती है, कहती पता नहीं मम्मा को क्या हो गया, वो ये सब क्या कर रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सिमरन बोलती कोई बात नहीं, तो वो बोलती कैसे कोई बात नहीं, हाँ पता नहीं उन्होंने आंटी से भी क्या क्या बोल दिया, आई एम सो सॉरी सिमरन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। जिस पर सिमरन बोलती है ये इट्स ओके, हाँ कोई बात नहीं, आप घर जा रहे हो। दुर्गा बोलती हूँ जाना ही होगा। तो दुर्गा अपना बैग लेती है और बाहर की तरफ निकल जाती है। सिमरन उसका हाथ पकड़ती है कि ठहरो, और सिमरन जो है वो अपना मोबाइल दुर्गा को दे देती है और कहती है कि साथ लेके जाओ। सिमरन बोलती है कि आपका मोबाइल ख़राब है ना, वो मुझे देके जाओ, वो मैं बनवा लूँगी। दुर्गा कहती नहीं वो यहाँ से नहीं बनेगा, शहर से बनेगा, मैं बनवा लूँगी, कोई बात नहीं अब रखो अपना मोबाइल। सिमरन बोलती अरे नहीं आप अपने पास रखो, वरना मैं परेशान होती रहूँगी और मैं मम्मा के मोबाइल से आपको कॉल करूँगी, प्लीज़ उठा लेना, मुझसे तो नाराज मत होना। दुर्गा बोलती नहीं मैं आपसे क्यों नाराज होंगी। सिमरन बोलती चलो मैं आपको ड्रॉप कर देती हूँ। सिमरन जो है वो अपने पापा की गाड़ी निकालती है, दुर्गा को बिठाती है और उसे बस स्टॉप तक छोड़ने जाती है। जैसे ही बस आती है दुर्गा नीचे उतरती है बस में बैठने के लिए, तभी सिमरन पीछे से हक करती है कि तू प्लीज़ मत जाओ। दुर्गा बोलती मैं नहीं चाहती कि मम्मा फिर से आंटी को कॉल करके परेशान करे, मुझे जाना ही होगा, आई एम सॉरी। और दुर्गा बगैर पीछे घूमने बस में बैठ जाती है, क्योंकि वो पीछे घूमती तो वो सिमरन का चेहरा देख के जान नहीं पाती। वो बस में बैठती है, उसे बच्चे गुस्सा रो तो अपनी मम्मा की सही करते और सिमरन की तरफ देखती है, तो सिमरन का रोते हुए चेहरा देख के दुर्गा को बहुत बुरा भी लग रहा होता है और उसको गुस्सा और भी आ रहा होता है। वो बहुत जल्दी से घर पहुंचने का वेट कर रही थी ताकि अपना सारा गुस्सा चिल्ला के अपने पंचिंग बैग पे मार के निकाल सके। मुझे बस में थी तभी से मैं उसे घर जाकर अपने मम्मा के नंबर से कॉल कर देती है। दुर्गा कॉल उठाती है, ऐसे में बोलती है कि आप ठीक हो। दुर्गा बोलती हम मैं ठीक हूँ। सिमरन बोलती है सुनो वो मैंने आपके बैग में बिस्किट और कुछ खाने पीने की चीज़ें रखी थी, प्लीज़ खा लो। जिस पर दुर्गा बोलती है आपने मेरे बैग में कब रखी। सिमरन बोलती है कि जब आपका बैग मैंने पकड़ा था तब। अच्छा प्लीज़ अपसेट मत होना और गुस्सा मत करना और मम्मा को कुछ मत बोलना। दुर्गा बोलती है आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं अपनी मम्मा से गुस्से में कुछ बोल दूंगी। तो सिमरन बोलती है आप इतने गुस्से से गई और आपके गुस्से को मैं अच्छे से जानती हूँ, गुस्से में नहीं देखती कि आपके सामने कौन है। जिस पर दुर्गा मुस्कुराती है और कहती हाँ भाई अब तो आप मुझे बहुत ही अच्छे से जान गए। दुर्गा बोलती बेबी प्लीज़ मजाक का टाइम नहीं है।
सिमरन बोलती है कि अच्छा सुनो आई लव यू, तो कहती हूँ आई लव यू टू, बाद में बात करती हूँ। और दुर्गा गुस्से में कॉल कट कर देती है। सिमरन बोलती दुर्गा दुर्गा तुम क्या करो, मैं आपका क्या करूँ, मैं आपके गुस्से का क्यों इतना गुस्सा करती हो, उफ भगवान प्लीज सब ठीक करना दुर्गा के गुस्से में, अपनी मोम को ही कुछ सुना ना दे। और वहाँ दुर्गा सिमरन बहुत ज़्यादा गुस्से में हो गया, वो बस जल्दी से प्रे कर रही होती कि जल्दी से मैं घर पहुँच जाए, पर अभी भी रास्ता बहुत लंबा था, बहुत घंटे लगने वाले थे उसे पहुँचने में। तभी वो अपना पैक खोलती है और उसमें से पानी की बोतल और स्नैक्स और बिस्किट्स वगैरह रखे हुए मिलते हैं। तो दुर्गा मुस्कुराने लगती है और फिर वो पानी निकालती है, पानी पीती है, उसे हल्की सी भूख लग रही थी तो जो स्नैक्स वगैरह रखे हुए थे वो खाने लगती है। और सिमरन की बहुत ज़्यादा याद सताने लगती है और सिमरन को बहुत मिस कर रही थी। सिमरन के साथ बिताए हुए एक एक पल उसकी आंखों के सामने घूमने लगते हैं और दुर्गा की आंखें नम हो जाती हैं। वो सोचे कि शायद मेरे नसीब में ये खुशियाँ लिखी नहीं है, जब भी मैं थोड़ी खुश होने लगती हूँ, जब भी मैं किसी के करीब जाने लगती हूँ, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाता है। शायद भगवान भी यही चाहता है कि मैं हमेशा दुखी रहूँ, शायद भगवान भी मुझे खुश नहीं देख सकता। और दुर्गा ये सोच के बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है। हाँ सिमरन, उसे पता था कि दुर्गा सब अकेले मैनेज नहीं कर पाएगी, इसलिए वो अपनी मम्मा के पास जाती है और कहती है कि मम्मा बहुत दिन हो गया, मुझे वापस शहर जाना ही होगा, मेरी पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, मैं आपको बताना भूल गई कि मेरे फाइनल एग्जाम्स होने वाले हैं। तो उसकी मम्मा थी, क्या बेटा तुमने बताया कि नहीं तुम्हारे फाइनल एग्जाम होने वाले हैं। तभी सिमरन के पापा आ जाते हैं, कहते किसके फाइनल एग्जाम होने वाले हैं। सिमरन बोलती मेरे एग्जाम्स होने वाले हैं और दुर्गा की मम्मा ने भी उसे घर इसलिए बुलाया क्योंकि उसकी पढ़ाई को लेकर बहुत है और हमारे फाइनल एग्जाम होने वाला है। सिमरन के डैड बोलते बेटे तुमने पहले क्यों नहीं बताया। सिमरन बोलते मेरे माइंड से निकल गया था और फिर आपने भी तो बोला था मेरे शादी पर आना बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए नहीं बताया। तो उसके पापा कहते बेटे शादी तो के कुछ फंक्शन तो पोस्टपोन हो गए थे बारिश के कारण, अब क्या तुम वो अटेंड नहीं कर पाओगे। तो सिमरन की मम्मा कहती क्या शादी इंपॉर्टेंट है या उसके फिर फाइनल एग्जाम इंपॉर्टेंट है, बेटा तुम जाओ अपना बैग पैक करो, हम तुम्हें छोड़ के खुद ही आएंगे। जिस पर सिमरन बोलती नहीं 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 छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, मैं काम करती हूँ, अगली बस पकड़ के मैं निकल जाती हूँ और दुर्गा मैं स्टॉप पर तो मिल ही जाएंगे। जिस पर उसके पापा कहते क्या दुर्गा चली गई थी। सिमरन बोलती हाँ वो उसकी मम्मा बहुत परेशान हो रही थी फाइनल एग्जाम्स है ना इसीलिए। तो कहते बेटे जब वो जा रही तो तुम साथ क्यों नहीं गए। सिमरन बोलती तब मेरे मन में नहीं आया। उसके पापा कहते क्या। सिमरन बोलते अरे वो मैंने सोचा आपसे एक बार इजाज़त ले लूँ फिर। तो उसके पापा कहते चलो ठीक है जल्दी से तुम अपना बैग पैक कर लो, मैं तुम्हें बस स्टॉप पे छोड़ के आता हूँ। सिमरन बहुत खुश हो जाते कि वो रास्ते में दुर्गा को मिल ही जाएगी और वहाँ दुर्गा की गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है तो उनका स्टे हो जाता है एक छोटे से ढाबे पे। लेकिन दुर्गा ने स्नैक्स खा लिए तो उसे भूख नहीं थी तो वो ढाबे पे लेटी होती है। यहाँ उसके डैड भी उसे सिमरन के डैड से बस स्टॉप पर छोड़ देते हैं और सिमरन की बस चल पड़ती है। उसके पास उसका मोबाइल नहीं होता तो वो सोचती है कि वो कैसे कॉल करे। तभी आगे ढाबा आने वाला था, वो सोचते उस ढाबे पे पहुंच के वो दुर्गा को कॉल लगा देगी। और जैसे उस ढाबे पे पहुंचती है वो वहाँ पीसीओ की तरफ जा रही थी तभी उसे एक चारपाई पे एक लड़की लेटी हुई लगती है जो उससे सेम टू सेम दुर्गा की तरह लग रही होती है और ड्रेसिंग भी दुर्गा की तरह ही थी। सिमरन पहले उसकी तरफ जा रही थी और फिर वो सोचती है कि अरे दुर्गा यहाँ कैसे ही आएगी। तो सिमरन पीसीओ पे चाहती है, वो जैसे ही कॉल लगाती है तो पास वाली चारपाई से कॉल की आवाज़ आ रही थी, मोबाइल की आवाज़ आ रही थी। तो वो तुरंत पास वाली चारपाई पे जाती है और वहाँ देखती है कि वो तो सच में दूर गई है। सिमरन हैरान हो जाती है, कुछ पल के लिए तो वहीं खड़ी रहती है बस दुर्गा को देखती रहती है। तभी दुर्गा की आँख खुलती है, वो अपना मोबाइल उठाती है, कॉल करती है, फिर से यूँ बैग को हक करके लेट जाती है। सिमरन मुस्कुराती है और उसके पास लेट जाती है तो दुर्गा एकदम आँखें खोलती है, वो अपने सामने सिमरन को देखती है तो हैरान हो जाती है कि सिमरन आप यहाँ पे कैसे। दुर्गा अपने आँखों को रब करने लगती है, उसे लगता है कि शायद ये उसकी आँखों का कोई धोखा है, वो ऐसे रब करती है। पर सिमरन तो वहाँ सच में थी इसलिए आंखें रब होने पे भी वो वहाँ से गायब नहीं होती। दुर्गा बोलती क्या आप सच में यहाँ हो। तो सिमरन दुर्गा को हक कर लेती है जिससे दुर्गा को विश्वास हो जाता है कि सिमरन सच में यहाँ है। वो भी उसको टाइटली हक कर लेती है। दुर्गा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती होगी थी आप यहाँ कैसे आए। तो सिमरन बोलती अरे बस जहाँ वहाँ मैं। दुर्गा बोलती अरे सच से बताओ ना। सिमरन बोलती पहले आप बताओ आपको तब तक शहर भी पहुँच जाना चाहिए तो आप यहाँ कैसे। तो जब बोलती वो बस खराब हो गई थी तो हमें यहाँ पे रुकना ही पड़ा। सिमरन बोलती अरे मेरी बस निकल गया चलो 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 हमें जाना होगा। दुर्गा बोलती कहाँ। सिमरन बोलती अब मेरी बस में आ जाओ ना चलो चलो वैसे भी वहाँ पे भी सीट है। ना सिमरन दुर्गा का भी सामान उठा लेती है और उसे अपने साथ वाली सीट दे देती है। ये दोनों एक साथ हो जाते हैं। तो सिमरन बस में दुर्गा का हाथ थाम के बैठी होती है। दुर्गा सिमरन को देखती है
सिमरन बोलती है कि अब तो गुस्सा नहीं होती पति, नहीं बिल्कुल भी नहीं। और सिमरन दुर्गा के शोल्डर पे सर रख लेती है, दुर्गा उसके बालों में हाथ फेरती है, उसके ऊपर वो ब्लैंकेट ओढ़ देती है। सिमरन सो जाती है, दुर्गा सारा टाइम बस सिमरन को ही देखती रहती है, और सिमरन को देखते देखते उसका गुस्सा खत्म हो जाता है। और फिर दुर्गा सिमरन को उठाती है, कुछ घंटों के बाद कहती है जान उठो देखो हमारा स्ट्रोक आ गया। सिमरन उठती है, कहती क्या मैं पूरा टाइम सोते रहे, हमने मुझे उठाया क्यों नहीं। दुर्गा बोलते आप इतने प्यार से इतने क्यूट सा फेस बना के सो रही थी, मन ही नहीं किया आपको उठाने का। जिस पर सिमरन बोलती क्या यार मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी थी। दुर्गा बोलती कोई नहीं अब बातें तो बाद में होती रहेंगी, चलो उतरो। अब ये दोनों जो है वो बस से नीचे उतरते हैं, दुर्गा टैक्सी लेती है और सिमरन को उसके घर छोड़ने जाती है। सिमरन उसे हक कर लेती है और कहती है प्लीज़ घर से आके लड़ाई मत करना प्लीज़। इस पर दुर्गा बोलती है ठीक है सिमरन बोलती है, और अपना हाथ भी जख्मी मत करना, अगर मुझे कहीं भी आपका हाथ जख्मी हुआ दिखा तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, और घर जाके बस चुपचाप से सो जाना क्योंकि कल हमें कॉलेज भी तो जाना है। दुर्गा बोलती नहीं मेरा मन नहीं है मैं नहीं जाऊँगी आप चले जाना। सिमरन बोलती प्लीज़ वैसे भी मैं पापा से ये झूठ बोल के आई हूँ कि हमारे फाइनल एग्जाम है तो कॉलेज तो जाना ही पड़ेगा। जिस पर दुर्गा हंसती है कहती अच्छा ना मेरे जाने पर पेरेंट्स से झूठ भी बोलती है, सिमरन बोलती सिर्फ आपके लिए ही बोला है। दुर्गा मुस्कुराती है और सिमरन के फ्रंट पर किस कर देती है चलो ठीक है अब अंदर जाओ। सिमरन डोर बेल बजाती है, आंटी दरवाज़ा खोलती है और सिमरन को देख के एकदम से खुश हो जाती है, यकीन भी नहीं आता कि सिमरन वापस आ गए। और फिर दुर्गा भी उसे टैक्सी में बैठ कर अपने घर चले जाती है। वो घर आती है और घर आते साथ उसे अपनी मोम का चेहरा देखने को मिल जाता है, पर वो मोम से बिल्कुल बात नहीं करती, चुपचाप से अपने रूम में चली जाती है। उसके मोम गुस्से में दरवाज़ा पीटती है, दरवाज़ा खोल मुझे बात करनी है जिनसे, पर दुर्गा बिल्कुल भी दरवाज़ा नहीं खोलती है और बस अपने रूम में रहती है क्योंकि उसे गुस्सा नहीं करना था। वो अपने पंचिंग बैग को देखती है, उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, मन कर रहा था उसको पंच पुश करने का, उसे पंच करने का जोर जोर से, पर सिमरन की बात याद आती है कि मुझे आपके हाथ नहीं देखने वो भी जख्मी। तो दुर्गा रुक जाती है, बस अपने बेड पर लेट जाती है और सिमरन के बारे में सोचने लगती है और अपना मूड ठीक करने लगती है ताकि अपना सारा गुस्सा जो है वो भुला सके और अच्छी अच्छी चीज़ें सोच सके। वो सिमरन के बारे में सोचते तो उसका सारा गुस्सा खत्म हो जाता है। तभी थोड़ी देर में उसे सिमरन की कॉल भी आ जाती है और ये दोनों कॉल पे बात करने लगते हैं। सिमरन पूछते हैं कि आपने गुस्सा तो नहीं किया था। उस पर दुर्गा बोलती नहीं बिल्कुल भी नहीं। दुर्गा अभी सिमरन से बात कर ही रही थी कि तभी उसका दरवाज़ा उसकी मोम जोर जोर से पीटने लगती कि दुर्गा दरवाज़ा खोलो मुझे तुमसे बात करनी है। दुर्गा गहरी सांस लेती होती थी, सिमरन मैं शावर लेने जा रहा हूँ आपसे बाद में बात करती हूँ। दुर्गा कॉल कट करती है, वो अपना ड्रेस निकालती है शावर लेने जा रही थी कि तभी उसकी मोम उसे बहुत ज़ोर से मतलब चिल्लाती है कि तुम्हें मेरी कसम दरवाज़ा खोलो। दुर्गा अपने मम्मा की कसम तब झुटला नहीं सकती थी इसलिए वो दरवाज़ा खोलती है तो उसकी मम्मा उस पर गुस्सा करने लगती है, चिल्लाने लगती है तुम क्या चाहती हो, तुम अपनी माँ को खुश क्यों नहीं देख सकती, तुम क्यों मेरे साथ ऐसा कर रही हो, तुम्हें अपनी माँ की खुशियाँ दिखाई नहीं देती क्या, उसकी अपनी माँ का दुख दिखाई नहीं देता, तुम्हें तुम्हारा प्यार चाहिए था, मैंने तुम्हें तुम्हारे प्यार से अलग नहीं किया तो तुम क्यों मेरे प्यार के दुश्मन हो, क्यों तुम नहीं चाहती कि मैं अपने प्यार से दूर रहूँ, क्यों तुम चाहती कि तुम्हारे डैड और मेरा डिवोर्स हो जाए। दुर्गा बोलती हाँ हाँ मैं चाहती हूँ कि आपको डैड का डिवोर्स हो जाए क्योंकि मैं उनसे नफरत करती हूँ, आपको क्या लगता है मैं उनसे इतनी नफरत क्यों करती हूँ, कभी जानने की कोशिश की आपने, नहीं क्योंकि आप कभी जानना ही नहीं चाहती थी क्योंकि आप चाहती थी अच्छे से जानती थी कि अगर आप जान गई तो आपको उनसे दूर होना ही पड़ेगा, पर आपके लिए अपनी बेटी नहीं अपने हस्बैंड इंपॉर्टेंट है। कभी मुझे पूछा बचपन में उन्हें देख के मैं क्यों डर जाती थी, कभी मुझे उससे पूछा उन्हें देख के क्यों मैं आपके पीछे छुप जाती थी, कभी आपने मुझसे जानने की कोशिश की उनके साथ में स्कूल जाने को मना क्यों करती थी, कभी आपने मुझसे पूछा मैं उनसे इतनी घिन क्यों करती थी, नहीं आपने कभी नहीं पूछा, क्यों पूछती आप, क्योंकि आप अच्छे से जानती थी मेरे साथ बचपन में क्या हुआ था, पर आप कभी इस चीज़ को मानना नहीं चाहती थी क्योंकि आपके लिए मैं तो इंपॉर्टेंट कभी थी ही नहीं, अगर कोई इंपॉर्टेंट था तो वो था सिर्फ और सिर्फ आपका हस्बैंड बस और कोई नहीं, आप अपने पति के प्यार में इतनी अंधी हो गई कि आपको अपनी बेटी का दर्द तक नहीं दिखाई दिया। दुर्गा बहुत चिल्लाती है और सब कुछ बोल देती है, उसकी मम्मा गुस्से से उसके मुंह पर थप्पड़ मारती थी क्या बकवास कर रही हो ऐसा कुछ नहीं है, क्या हुआ था तुम्हारे साथ बचपन में कभी बताया तुमने मुझे बोलो। दुर्गा बोलती हाओ माँ तो अपनी बेटी का दर्द समझ जाती है ना, बगैर बताए सब कुछ जान जाती है, तो आप क्यों नहीं जानी कि आपकी बेटी इतनी तकलीफ में क्यों है, क्यों क्यों नहीं समझी आप, आपको याद है जब आप बचपन में नाना के घर गई थी मैं चीखती रही थी मैं रोती रही थी मुझे साथ लेके जाओ पर नहीं, मैंने आप पे हाथ उठाया और आप गुस्से में सब कुछ छोड़ के चली गई, मुझे भी छोड़ के चली गई, अपने उस दरिंदे हस्बैंड के पास छोड़ के चली गई। आप जानते थे आपके वो पति नशे में कितने धुंध हो जाते, इतने धुंध हो जाते कि उन्हें कुछ नहीं दिखता उनके आगे कौन है, फिर भी आप मुझे उनके भरोसे छोड़ के गई क्यों, आपको पता भी है उस रात मेरे साथ क्या हुआ था और किस आप कुछ नहीं जानती,
कुछ भी नहीं जानती, फिर भी मैंने आपसे कभी नफरत नहीं की मोह। आपकी वजह से मेरे साथ सब कुछ हुआ, आपकी वजह से मुझे वो सब फेस करना पड़ा, फिर भी मैंने आपको कभी कुछ नहीं बोला। हमेशा आपसे मोहब्बत की, हमेशा आपको आपको भगवान का दर्जा दिया, पर आपने क्या किया? आपने कभी मुझे समझने की कोशिश नहीं की, आपने कभी मुझे नहीं पूछा कि तुम अपने अपने डैड से इतनी नफरत क्यों करती हो, कभी नहीं पूछा आपने। तो दुर्गा की माँ बोलती, ठीक है अब पूछ रही हूँ, बताओ मुझे क्यों करती हो तुम मुझे नफरत। दुर्गा बोलती, अब पूछने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं कुछ भी बोलूंगी आपको लगेगा मैं सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रही हूँ, क्योंकि सच्चाई आप बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे, समझिए आप। और दुर्गा ऐसे बोल के घर से बाहर जाने लगते हैं, पर सिम सॉरी पर दुर्गा की मोम जो है वो उसका हाथ थामती होगी। जी बताओ मुझे, आज तुम इस तरह पीठ दिखा के नहीं भाग सकती, तुम्हें सब बता नहीं होगा, क्यों करती हो अपने डैड से नफरत, क्यों तुम नहीं चाहती कि तुम्हारा डैड और मैं साथ रहे। दुर्गा बोलती, क्योंकि मैं नहीं चाहती वो आपके साथ रहे। अरे जो अपनी बेटी को नहीं संभाल पाया, अपनी बेटी की हिफाजत नहीं कर पाया, वो आपकी क्या खाक करेगा। आपको नहीं पता मेरे साथ बचपन में क्या हुआ और किसके सामने हुआ। जितने उसकी माँ बोलती, बस शट अप, चुप हो जाओ दुर्गा, मुझे कुछ नहीं सुनना। दुर्गा बोलती, मैं जानती थी आप यही करेंगी। नहीं मॉम, आज आपको सुनना पड़ेगा। आप मुझे पूछती थी ना मुझे रातों को डर क्यों लगता है, क्यों मैं चीखती हूँ, क्यों मुझे पैनिक अटैक्स आता है, पूछती थी ना। तो आज सुनिए मेरे साथ उस रात क्या हुआ था। जिस रात आप मुझे छोड़ के गई थी, उस रात कितनी ज़्यादा बारिश हो रही थी, मैं आपके पीछे भागी थी। मोम मुझे साथ लेके जाओ, मोम मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ, मम्मा मुझे डर लग रहा है। पर आपने क्या किया, आप टैक्सी में बैठी और बारिश में मुझे भीगता हुआ छोड़ के चली गई। घंटों में उस बारिश में घर के बाहर खड़ी रही मोम, चीखती रही, मोम प्लीज वापस आ जाओ, मम्मा मुझे डर लग रहा है, मम्मा मुझे डर लग रहा है, वापस आ जाओ, मुझे ठंड लग रही है। पर आप वापस नहीं आई, ठंड में कांपते हुए डरते हुए मैं वापस घर के अंदर गई, जहाँ आपके वो पति अपने दोस्त के साथ ड्रिंक कर रहे थे। आपको पता है उसके आगे क्या हुआ, सुनना चाहती आप तो सुनिए। आपके पति नशे में इतने धुंधे कि उन्होंने मुझे पकड़ा और मुझे कहने लगे कि मेरा पाँव दबाओ। मैंने अपने नन्हे हाथों से उनका पाँव दबा रही थी, और जब मैं उनके पाँव से इसे नहीं दबा पाई तो उन्होंने मुझे जोर से मारा, जिससे मैं गिर गई और मैं उनके उनके फ्रेंड के कदमों में जाके गिरी। उसके बाद उनके फ्रेंड ने पता है मेरे साथ क्या किया, मुझे गोद में उठा के बिठाया, मुझे छूने लगे, मुझे किस करने लगे। मैं रोती रही, चीखती रही कि आप क्या कर रहे हो, मुझे मत छुओ, हटो। मैं पूरी तरह भीग चुकी थी और उन्होंने मुझे उसी सोफे पर लिटा के मेरे साथ, वो भी आपके पति के सामने। मैं चीखती रही, डैड डैड बचाइए मुझे, उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी। बारिश में मैंने उन्हें नहीं सुन पाएंगी मॉम, उसके आगे मेरे साथ क्या हुआ आप नहीं सुन पाएंगी, ना ही आप वो दर्द समझ पाएंगी जो उस साथ मेरे साथ हुआ। एक बार नहीं, पता नहीं आप कभी नहीं समझ पाएगी मैं क्यों उनसे नफरत करती हूँ, आप कभी नहीं समझ पाएंगी, समझिए आप। और दुर्गा वहाँ से ये सब चिल्लाते हुए रोते हुए कहीं चले जाती है। दुर्गा की मम्मी उधर ही नीचे ज़मीन पे बैठ जाती हूँ, उन्हें तो समझ नहीं आता, अपने ही कानों पे विश्वास नहीं होता कि मैंने क्या सुना है, क्या दुर्गा ने क्या बोला, मैं कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। और वहाँ दुर्गा रोते हुए बस चले जा रही थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता, ऐसे लग रहा था जैसे उसका बचपन उसके सामने फिर से आके खड़ा हो गया हो, जैसे उसके जख्मों में को किसी ने कुरेद डाला हो, जैसे उसके जख्मों पे किसी ने नमक डाल दिया हो। दुर्गा को फिर से बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी, वो सारा दर्द उसका ताज़ा हो चुका था, वो बस पागलों की तरह रो रही थी और सड़क पे चलते जा रही थी। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।